सोलन शहर के कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि सोलन मेला हो या सोलन से जुड़ा कोई भी मुद्दा, नगर परिषद एक निजी व्यावसायिक संस्था की तरह कार्य कर रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष ने अंकुश सूद ने कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शून्य मेले हो या सोलन से जुड़ा कोई भी मुद्दा, नगर परिषद एक निजी व्यावसायिक संस्था की तरह काम कर रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने डीसी सोलन विनोद कुमार को पार्किंग और झूलों के माध्यम से जनता से हो रही लूट के बारे में भी अवगत कराया। अंकुश सूद ने इस मौके पर कहा कि शून्य मेला, जिसे अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है, जिसमें हर छोटा बड़ा व्यक्ति दान देने की इच्छा रखता है, वहीं इस मौके पर नगर परिषद सोलन शूलनी मेले का व्यवसायीकरण कर चुकी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मेले में लगने वाले झूले, जिसकी बोली जो पहले 6 लाख रुपए तक थी, अब उसकी बोली 16 लाख रुपए पहुंच गई है, जिसका अतिरिक्त बोझ सोलन की जनता पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पार्किंग में भी यही हाल है, जिसमें पार्किंग स्थल की बोली लाखों रुपए में जाती है, जिसकी वजह से बोलीदाता सोलन की जनता से अधिक शुल्क वसूलता है। बाहर बाहर से ठेकेदार आते हैं और महंगे से महंगे जो है वो झूलों की बोलियां लेते हैं, जिसका सारा जो बोझ है वो जनता, आम जनता के ऊपर पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो झूले आज से 3-4-5 साल पहले 4-4-5-5 लाख रुपए में जाते थे, वो पिछली बार 16 लाख रुपए में गए। तो वो 16 लाख इन्होंने कहाँ से पूरे किए? उन्होंने जनता से पूरे किए, आपसे और हमारे से पूरे किए। बड़े दुख की बात है, जहाँ एक और पूरा शहर माँ शूलनी के मेले में डूबा रहता है और लोगों की सेवा करता है, वही कमेटी एक प्राइवेट संस्था की तरह काम करते हुए लोगों की जेबों पर डाका डालती है। बड़ी हैरानी है कि कमेटी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो पैसा कमाने के लिए काम करे, उसे लोगों की सेवा के लिए काम करना चाहिए। लोग फोटो ग्राउंड जाने से डरते हैं कि इतनी महंगी महंगी टिकटें हैं तो हम इस तरीके से मेला नहीं घुमा पाएंगे बच्चों को। और मेरा अनुरोध सोलन के पार्षदों से भी है, जिनको जनता ने जिताकर कमेटी में उनके हित के लिए भेजा है, मेरे उन पार्षदों से भी निवेदन है कि आप अपनी जनता को फायदा करें, इसको राजनीति से ऊपर उठकर देखें। ये शून्य मेला है, आम लोगों का मेला है, इसमें इस तरह की लूट नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ पार्किंगों में भी यही हो रहा है कि आप पार्किंग की कमेटी बोली लगा देती है, जो पार्किंग पिछले साल 2 लाख में गई है वो इस बार 8 लाख में गई है, तो बचे हुए 6 लाख कहाँ से पूरे हो रहे हैं? वो आपकी और हमारी जेब से पूरे हो रहे हैं। आज की डेट में आप सोलन के सर किसी भी पार्किंग में चले जाइए, आपको 1 घंटे के लगभग 40 रुपए देने पड़ते हैं। इसमें ठेकेदार की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ठेकेदार ने खुद जब 16 लाख रुपए की पार्किंग ली होगी तो वो पैसे कहाँ से पूरे करेगा? वो आपसे और हमारे से पूरे करेगा। इसलिए हमने डीसी साहब से निवेदन किया है कि ये पार्किंग में भी जो ये बोली की जो व्यवसायीकरण जो किया जा रहा है कमेटी का, वो बंद किया जाए और उसको भी पर्ची सिस्टम से दिया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिले और 1 घंटे के कम से कम 10 रुपए चार्ज किए जाए। और तीसरा मुख्य मुद्दा, शहर के अंदर जो इस समय है बिल्कुल विकास कार्य ठप पड़े हैं, उसका मुख्य कारण है कमेटी में एक स्थायी ईओ का ना होना। इसमें मैं थोड़ा सा भाजपा सरकार के विरोध में कहना चाहूँगा कि जब से ये सरकार आई है तब से यहाँ पर स्थायी ईओ की नियुक्ति नहीं की जा रही है। लगभग 15 से 18 ईओ एक साल के अंदर यहाँ पर बदल दिए गए हैं। बड़ी हैरानी की बात है, एक नेता को कोई ईओ पसंद नहीं आता तो वो दूसरा ईओ ले आते हैं, दूसरे भाजपा के नेता को कोई पसंद नहीं आता तो वो दूसरा ईओ ले आते हैं। हम बोलते हैं सर आपको जो ईओ पसंद है आप वो तो लाइए, और सोलन एशिया की नंबर 1 ग्रोइंग सिटी है, कम से कम यहाँ इसके साथ ऐसा व्यवहार ना कीजिए।